पूर्व केंद्रीय मंत्री और राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया मंगलवार की सुबह राजधानी भोपाल पहुंचे, जहां से सीधे पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती का आशीर्वाद लेने उनके निवास स्थान पहुंचे। इस दौरान मीडिया से चर्चा करते हुए सिंधिया ने जहां उमा भारती की जमकर तारीफ की, वहीं पूर्व की कमलनाथ सरकार पर जमकर बरसते नजर आए। एक्सटेंशन टू विंडो। भाजपा में प्रवेश लेने के बाद मेरा दायित्व तो बनता है कि मैं उनका आशीर्वाद लूं। पिछले बार जब मैं भोपाल आया था तो बहुत ही व्यस्ततम कार्यक्रम रहे थे, इसलिए इस बार भोपाल आते ही मैं इनके निवास पे पहुंचा हूं इनका आशीर्वाद लेने के लिए। और सदैव उमा भारती जी ने, चाहे मेरी दादी हों, मेरे पूज्य पिताजी हों, सदैव वे साथ रहे हैं और आज उनका आशीर्वाद मुझे प्राप्त हुआ है, तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ। मैं केवल यहाँ आया हूँ सदैव उमा भारती जी से मिलने के लिए, मैं उसी पर। सर, सभी समाज और सभी वर्गों का मोहभंग हो रहा है, कांग्रेस से लोधी समाज के विधायक भी शामिल हो चुके हैं बीजेपी में, इस तरीके से हर वर्ग। अब ये कठिनाई क्या है कि आप लोग इस देश को धर्म और जाति में आप तोड़ रहे हो। मैं तो ये कहूँगा कि पूरी प्रदेश की जनता का मोह भंग हो गया है कांग्रेस से, क्योंकि 15 महीनों में जो व्यापार और भ्रष्टाचार की सरकार इन्होंने चलाई, इनको चिंता हो रही है पोर्टफोलियो का। ब्यूरो रिपोर्ट, भोपाल।